खुले में शौच मुक्त को लेकर भले ही गुरुग्राम जिला उपायुक्त को पीएम मोदी ने सम्मानित किया है, लेकिन मिलेनियम सिटी में खुले में शौच की तस्वीरें जमीनी हकीकत को बयान कर रही हैं। जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद के घर के बिल्कुल पास की तस्वीरें हैं, जहां टॉयलेट तो है लेकिन सफाई व्यवस्था ना होने के चलते लोग खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। दिक्कत क्या है, इसके अंदर घुसा नहीं जाता, इतनी बदबू होती है जी, सफाई तो होती नहीं, वो भी क्या करेगा कर्मचारी, ना साबुन है ना पानी है उसके अंदर, पेशाब कर लो तो पानी हाथ धोने के लिए नहीं, लेटरिन चले जाओ तो साला उसके अंदर इतनी गंदगी है, आप घुस नहीं सकते उसके अंदर। तो बाजार सब में महिलाएं भी बहुत आती हैं, उनको किस तरह की दिक्कत है? महिलाएं आई है कल, एक गिर गई इसके अंदर ही, कोमा में चली गई, वो बेचारी मरी गई परसों। हाँ, स्लिप होगी इसमें, बाहर जाते हैं। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा दिक्कत सामना करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरन कारण जाना पड़ता है हमारे को बाहर, लेटरिन इधर खुले नहीं है इसलिए जाते, रात को भी डर लगता है, बच्चे भी है छोटे छोटे, बाहर जाते तो डरते ही सब। गुरुग्राम नगर निगम का सालाना बजट तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का है। नगर निगम ने तकरीबन 150 टॉयलेट शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बनाए हैं, लेकिन उचित देखरेख ना होने के चलते ये बदबू और गंदगी से भरे हैं। इसकी मुख्य वजह तो मुझे लगता है शायद लोगों की आदत है, आप उनको कितना भी साफ रखें उनको गंदे होने की आदत होती है, पर कहीं कहीं कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। हमारी पूरी कोशिश है, हमारे मोबाइल टॉयलेट्स भी हैं, हमारे जो हैं स्थायी टॉयलेट्स भी हैं, और लोगों को हम इंकरेज भी करते हैं कि वो वहां जाके काम करें, हमारी टीमें लगातार वहां सफाई का काम भी कर रही हैं। तो सोच तो यही है कि सब लोग शौचालय में जाएं, हमारी मोबाइल टॉयलेट्स हैं वहां पे भी वो लोग उनको यूज कर सकते हैं। रियलिटी चेक में जिला प्रशासन के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है कि कैसे अफसरशाही हावी होने के चलते योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू तो हो जाती हैं, लेकिन देखरेख ना होने के चलते जल्द ही दम तोड़ने लगती हैं। फोकस हरियाणा के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट।